तीन मासूम बच्चियां दे नाल उस वेले दर्दनाक हादसा वापरिया जदों पट्ठे दी कंध इन्हां तीन मासूम बच्चियां ते डिग गई, जिस कारण इस हादसे दे दौरान तीनों बच्चियां दी मौके ते ही मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा पंचकूला दे रायपुर राणी दे पिंड जासपुर ककराली दे नजदीक वापरिया। मरण वाले बच्चों विचों एक की उम्र 7 साल की सी जिसका नाम रफिया सी, दूजे की उम्र 4 साल की सी जिसका नाम जिशान सी, ते तीजे की उम्र महज 2 साल की ही सी जिसका नाम ईशान सी। इस हादसे तो बाद बच्चों के मापिया का रो रो के बुरा हाल है। जानकारी मुताबिक बच्चों का परिवार पट्ठे ते पिछले 14 साल तो काम कर रहा है। इस मौके परिवारक मैंबर ने दसा कि बच्चे शैड के थले खेड रहे सी कि अचानक पट्ठे की कंध डिग गई, जिस कारण बच्चे कंध के थले ही दब गए। हालांकि इस कंध के थले 4 बच्चे दबे सन, जिन्हां विचों 3 की मौत हो गई, जबकि 1 बच्चे नूं मामूली सट्टा लग्या अते ओह बच्चा वाल वाल बच गया। अते जदों परिवारक मैंबर बच्चों नूं अस्पताल लैके आए तो डॉक्टरां ने 2 बच्चों नूं मौके ते ही मृतक करार दे दिता सी, अते जबकि 1 बच्चे की इलाज दौरान मौत हो गई सी। हुण बच्चों दीआं लाशां नूं रायपुर राणी दे हस्पताल च मोर्चरी च रखवा दिता गया ते पुलिस मामले की जांच दे विच जुट गई है। उत्थे इस हादसे तो बाद मापियां दे हंजू रुकण दा नाम नहीं लै रहे, क्योंकि मापियां ने अपने मासूमां नूं हमेशा हमेशा लई गवा दिता है। बच्चे बच्चे हमारे पायलट के सारे खेल रहे थे, मैं क्या मालूम क्यों गिर जाऊंगे। पायलट जो है वो बस रेड़ा लेकर चले से इतनी देर में धड़ाम देसी ना पायलट ही गई, उसमें 3-4 बच्चे दब गए। बड़ी मुश्किल से हमने निकाले वो उसके अंदर से, और एक को डॉक्टर से दवा दिला दी और 3 को यहाँ ले आया। तो जो बच्चों की जिनकी मृत्यु बताई जा रही हो रही है, वो कितने साल के बच्चे थे, कुछ आइडिया है? ये 5 साल का है, 7 साल की, 5वें साल में, एक 2 साल में, दिसंबर को 2 साल का है। वो छोटा सा जो है वो लड़की 9 साल की है मेरी। तो किस किस के बच्चे थे इसमें? ये 3 तो मेरे हैं, एक मेरी भांजी है, इन लोग की। एक ही परिवार के हैं 3 बच्चे? 4 ही बच्चे? 3 मेरे ही हैं, एक ही परिवार के। मेरा नाम डॉक्टर गौरव प्रजापति है, मैं CHC रायपुरानी में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ। आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान सुबह 11:10 पर कमला भट्टा जासपुर से 3 बच्चे लाए गए, जिनकी उम्र 2 साल, 5 साल और 6 साल की गुड़िया थी, उनको लाया गया। तो जांच के दौरान ये पता लगा कि भाई जो 2 साल का काका और 6 साल की गुड़िया है, उसकी डेथ पहले से हो रखी थी। जो 5 साल का बच्चा था उसको चिकित्सा सहायता दी गई। चिकित्सा सहायता देने के दौरान जब उसका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ओरल सक्शन करी गई, तो ये पाया गया कि भी उसकी जो सांस की नली है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड और म्यूकस था, और बच्चा जो है गास्पिंग स्टेट में यहाँ लाया गया था। और चिकित्सा सहायता देने के दौरान जब तक हम मरीज को 6 सेक्टर पंचकूला रेफर करते, तो उसकी भी जो है मृत्यु हो गई। तो अभी 3 बच्चों के जो शव हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? शव पुलिस को जो है मौली चौकी पुलिस स्टेशन में जो है पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, और इंचार्ज सर से बात हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि जी बॉडी को हम 6 सेक्टर पंचकूला मॉर्चरी में शिफ्ट करेंगे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन।